अब विंटर सीजन ऑन हो चुका है, तकरीबन होने वाला है। सर्दियों की आमद आमद है और हमें सर्दियों से बचने के लिए गर्म कपड़ों के साथ एक चीज की और जरूरत होती है। जी हाँ, बिल्कुल गर्म शूज की हमें जरूरत पड़ती है। और आज मैं आपको एक ऐसी मार्केट में लेकर आया हूँ जहाँ पर हमें कम पैसों में, थोड़े पैसों में, महंगाई के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बेहतर वैरायटी सर्च करने पर मिल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, फराज अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ फराज अहमद हाजिर खिदमत। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, महफूज होंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे लाजमी आपने क्लिक करना है ताकि आने वाली वीडियोस, आने वाले व्लॉग्स आपको वक्त पे मिल सकें। मैं आज एक हैदराबाद की ऐसी मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि वैरायटी कैसी मिल सकती है। यहाँ पर शूज़ की अगर हवाले से मैं बात करूँ, गर्म शूज़ यहाँ पर ईजीली मिल सकते हैं कम पैसों में। महंगाई का दौर बहुत ज्यादा है और आवाम परेशान है। कम पैसों में अच्छी वैरायटी कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, तो मेरे साथ आपने रहना है। मैंने आपको वैरायटी दिखानी है टोटल, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। फराज अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ रहिएगा, बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, तो मेरे साथ रहिएगा। जनाब मैं इस वक्त हैदराबाद की शू मार्केट में, ऐसी शू मार्केट में जहाँ पर आपको कम मार्जिन में, कम पैसों में अच्छी वैरायटी मिल सकती है, मैं मौजूद हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। यहाँ पर पब्लिक का आना, यहाँ पर पब्लिक का हजूम, यहाँ पर वैरायटी, यहाँ पर शॉप्स, यहाँ पर इनकी क्वांटिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मैं हैदराबाद नए पुल की लोकेशन पर मौजूद हूँ, शूज़ मार्केट के अंदर, जहाँ पर आपको ईज़िली जो है वो अपनी पसंद की वैरायटी भी मिल सकती है और रेंज भी उसकी मुनासिब होती है। ज़्यादा रेंज में भी नहीं होगा सिस्टम, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। मेरे साथ आपने रहना है, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। ही एक शॉप के अंदर मैं आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको वैरायटी दिखाता हूँ इन पर जो क्या क्या वैरायटी मौजूद है। उसके अलावा इनके ऑनर से भी बात करेंगे, यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं। और इनकी वैरायटी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, गरम जूते और इनके पास क्या क्या यहाँ पर दस्तयाब है, क्या क्या अवेलेबल है, यहाँ पर पब्लिक भी मौजूद है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, उसके अलावा इनके जो ऑनर हैं उनसे भी बात करेंगे, तो मेरे साथ आपने रहना है। यहाँ पर इस वक्त विंटर सीजन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी वैरायटी इस शॉप पर मौजूद है। नए पुल हैदराबाद की लोकेशन पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त और लोग यहाँ पर ख़रीदारी भी कर रहे हैं। जनाब यहाँ विंटर सीज़न ऑन होने को है, तकरीबन ऑन होने को ही है, तकरीबन कुछ दिन ही है और उसके बाद फिर ये चीज़ें भी नापेद होने वाली हैं, क्योंकि मार्केट से काफ़ी चीज़ें गायब हो जाती हैं सीज़न ऑन होते ही। तो लोगों की कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके टाइम पर चीज़ें खरीद ली जाएं ताकि बाद में परेशानी ना हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ आपने रहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद भाई, विंटर सीज़न सर्दी का आगाज़ होने वाला है, इस वक्त जो सामान है आपके पास क्या क्या वैरायटी इस वक्त अवेलेबल है? लेडीज़ है, चप्पले है, सब कुछ है हमारे पास, हर चीज़ अवेलेबल है, भी बचकाना भी है, लेडीज भी है, मर्दाना भी है, जेंट्स भी है, सब। अच्छा, गर्म वैरायटी आपके पास न्यू सीज़न की अगर मैं बात करूं तो न्यू कलेक्शन आ चुकी है या आने वाली है? आने वाले भी है, आ भी चुकी है, कुछ रस्ते में माल आ रहा है। अच्छा, ये जो आपके हाथ में इस वक्त जूता है, ये जूता अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जूता कितने का है इस वक्त, इसकी इसमें ये कौन सी ब्रांड है आपके पास? ये चाइना वाला ब्रांड है। चाइना वाला ब्रांड है, इसकी प्राइस क्या है? 3500। और ये आम मार्केट में अगर हम किसी तजारती मरकज से खरीदते हैं तो कितने का होगा? 4000-4500 का। और यहाँ पर 3000 का ये फाइनल आप दे देंगे। और ये मार्केट में कितने का दस्तयाब होगा तकरीबन? जी जी, 4000-4500 का और यहाँ पर 3000 का मौजूद है। इसी तरीके से अली मोहम्मद भाई यहाँ पर जो ऑनर हैं दुकान के, वो ये कह रहे हैं कि इनके पास काफ़ी कलेक्शन मौजूद है और यहाँ पर रियायती सेल इन्होंने कही है कि लगा रखी है इन लोगों ने। और अभी यहाँ पर विंटर सीजन स्टार्ट हुआ है तो वैरायटी आ गई है काफ़ी और कुछ आने वाली भी है। तो यहाँ पर जो सिस्टम है, नए पुल की लोकेशन हैदराबाद की मैं मौजूद हूँ शूज़ मार्केट के अंदर और यहाँ पर कस्टमर्स भी मौजूद हैं। और उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर वैरायटी और भी काफ़ी तादाद में मौजूद है, तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, मेरे साथ रहना है। भी यहाँ पर काफ़ी मौजूद हैं, तो एक भाई जो है यहाँ पर ख़रीदारी करने आए, उनसे पूछते हैं कि वो क्या खरीद कर रहे हैं यहाँ पर और यहीं का इन्होंने रुख क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? शाहजेब भाई, इसी मार्केट का रुख किया आपने, सर्दी का आगाज़ आने वाला है, होने वाला है, हवाएं चलना शुरू होगी हैदराबाद में ठंडी, क्या वजह है यहाँ पर आने की? अच्छा, रीज़नेबल प्राइस यहाँ पर मिल जाती है,
क्या लिया आपने, क्या पसंद किया अभी आपने? अच्छा पहले भी आते रहते हैं सर, बहुत शुक्रिया। आप अपनी जो है वो शॉपिंग करें, कस्टमर्स यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश करते हैं कि और भी हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं उनसे बात करें। और आपको वैरायटी के हिसाब से अगर मैं बात दिखाना चाहूँ, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर और ऐसी ऐसी चीज़ें भी दिखने को मिल रही हैं कि जो अगर हम आम तजारती मरकज़ से ख़रीदें तो काफ़ी एक्सपेंसिव जो है वो पड़ती हैं और हम सिर्फ देखने की हद तक ही रह जाते हैं, क्योंकि काफ़ी महंगे शूज़ अवेलेबल होते हैं आम मार्केट में। मगर यहाँ पर सर्दी की कलेक्शन मौजूद है जनाब। नए पुल हैदराबाद की लोकेशन पर मैं मौजूद हूँ। तरीके से अगर मैं आपको पूरी मार्केट का विज़िट करवाऊँ तो काफ़ी बड़ी मार्केट है यहाँ पर हैदराबाद की, अगर मैं बात करूँ नए पुल की। और यहाँ पर वैरायटी लातादाद आपको वैरायटी यहाँ पर मिलेगी जनाब। अगर मैं इस वक्त आपको बाहर से जो विज़िट करवा रहा हूँ, मार्केट की लोकेशन आपको बताता चलूँ, नए पुल हैदराबाद फेमस जगह है जनाब। यहाँ पर जो है वो वैरायटी, बेतहा वैरायटी मौजूद है। इजीली कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल सकती है। और अगर जो बाज़ार में मार्केट में जो एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें, एक्सपेंसिव शूज़ मिलते हैं, वहाँ इजीली काफ़ी डिफरेंस से यहाँ पर इजीली मिल सकता है यहाँ पर। तो विज़िट आपने लाजमी करना है जनाब। जनाब अगर विज़िट पे अगर मैं आऊँ तो विज़िट आपको मैं पूरी मार्केट का मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कस्टमर्स का रश और उसके अलावा जो शॉप्स हैं, लातादाद शॉप्स हैं, क्वांटिटी के हिसाब से शॉप्स हैं, वैरायटी यहाँ पर काफ़ी मौजूद है। उसके अलावा देख सकते हैं आप, ये बाहर की लोकेशन है शॉप के, जितने भी यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं उनके बाहर की लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। तो मैं इस वक्त मार्केट के अंदर चल रहा हूँ, इस वक्त नया पुल लोकेशन पर शूज़ मार्केट के अंदर मैं मौजूद हूँ। कोशिश ये होती है कि आपको ब्रीफ़ करूँ, आपको दिखाऊँ। विंटर सीज़न ऑन होने वाला है जनाब, सर्दी हमारे सर पर मौजूद है। जी हाँ बिल्कुल, सर्दियों का सीज़न आने वाला है, तो अभी ही परचेस कर लें। बाद में ये चीज़ें जो हैं ऐसी चीज़ें हैं जो बाद में एक्सपेंसिव हो जाती हैं और ईज़िली मिल नहीं पाती। तो मेरा तो आपको मशवरा है कि अगर आप लोग नहीं आए यहाँ पर तो आप लोगों ने विज़िट करना है और आपको इजीली आपकी पसंद के जो शूज़ हैं, गर्म शूज़ वगैरह और उसके हवाले से या दीगर आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो इजीली वो मिल सकती है। तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा नया पुल हैदराबाद सिंध की शूज़ मार्केट जनाब। मैंने आपको विज़िट करवाया, इस वक्त मार्केट में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर आप लोगों ने विज़िट नहीं किया तो एक बार विज़िट बनता है। न्यू नया पुल हैदराबाद सिंध की लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, शूज़ मार्केट के अंदर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं लातादाद वैरायटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं जनाब। विंटर सीज़न ऑन होने वाला है, कुछ दिन के बाद ये वैरायटीज़ यहाँ पर नहीं मिलने वाली। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, और अगर मिलेंगी तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, सिस्टम में एक्सपेंसिव हो जाएगा। क्योंकि आम अगर हम तजारती मरकज़ में जाते हैं, अगर हम आम स्टॉल्स पे जाते हैं, आम शॉप्स पे जाते हैं, तो वहाँ पर शूज़ की, जॉगर्स की, गर्म जूतों की अगर हम बात करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव जूते मिलते हैं हमें। मगर इस मार्केट में आपको कम रेंज में अच्छी चीज़, काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक विज़िट ज़रूर बनता है आपका। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी आपने क्लिक करना है और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको व्लॉग कैसा लगा। जी हाँ बिल्कुल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सब लोगों की मोहब्बत का, आप सब लोगों के प्यार का, आप सब लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। फराज अहमद ऑफिशियल दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें। मेरी दुआएँ आप सब लोगों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बार बार कह रहा हूँ। कोशिश होती है कि आपको अवेयरनेस दूँ, आपको मैं कुछ ऐसी वीडियोस दिखाऊँ ताकि आपको कुछ जो है वो बता सकूँ कि इस वक्त हैदराबाद में क्या सिचुएशन है। जी हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए फराज अहमद ऑफिशियल, फराज अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबका निगहबान।